नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में नीति आयोग के उप समूह की बैठक को किया संबोधित। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास और विकास आयुक्त अरुणा शर्मा ने बुधवार को यहां राजस्थान के मनरेगा डायरेक्टर रोहित कुमार सहित अधिकारियों के दल ने मुलाकात की। और अब खबरें विस्तार से। कृषकों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलवाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास और परिणामों पर विचार के लिए कृषक उत्पादक संगठनों का राज्य स्तरीय सम्मेलन उज्जैन में 29 मई को होगा। सम्मेलन कृषि महोत्सव पर हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से सीधे रूबरू होंगे। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के युक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में नीति आयोग के उप समूह की बैठक में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के स्वरूप और फंडिंग के बारे में अंतिम दौर का विचार विमर्श किया गया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुझावों पर सिफारिशें तैयार कर ली गई हैं। उप समूह की अंतिम बैठक दिल्ली में आगामी 13 जून को होगी। इसके बाद उप समूह अपने अनुशंसाओं का प्रतिवेदन नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग के उप समूह के सदस्य मुख्यमंत्री एवं उपराज्यपाल को आज यहां विदाई दी। इस अवसर पर पीआर जेलियंग, केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ए के सिंह भोपाल आए थे। आम लोगों को मुसीबत के समय सहायता के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। बीमा करवाने पर स्वयं की सुरक्षा एवं परिवार की सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होगा। सभी लोग इस बीमा कवच के अंदर हों, ऐसे प्रयास किए जाएं। इस योजना का लाभ आम जनता को दिलवाना सामाजिक सरोकार का प्रतीक है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव बीमा योजनाओं के सामाजिक सुरक्षा जागरूकता अभियान को बुधवार को जिला पंचायत अशोकनगर और ग्राम पंचायत बरखेड़ा के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास और विकास आयुक्त अरुणा शर्मा ने बुधवार को यहां राजस्थान के मनरेगा डायरेक्टर रोहित कुमार सहित अधिकारियों के दल ने मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश में मनरेगा में हुए नवाचारों के बारे में जानकारी हासिल की। रोहित कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में अन्य कई राज्यों की तुलना में मनरेगा में बेहतर काम हुए हैं। मनरेगा में हुए नवाचारों को राजस्थान में लागू किया जाएगा। शर्मा ने इस दौरान मध्य प्रदेश में मनरेगा में पारदर्शिता, कन्वर्जेंस, इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजिंग सिस्टम सहित विभिन्न नवाचार के बारे में विस्तार से बताया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएसटीवी। नमस्कार।